थक गया है पापा। बस अब जा रहे हैं आज, अब फाइनली चेक इन करने वाले हम होटल में, फिर आराम से 3-4 घंटे आराम करेंगे क्योंकि अभी 6:45 हो रहे हैं और जो फायरवर्क्स हैं वो रात के 10 बजे होते हैं, तो हमारे पास हैं अभी 4 घंटे, तो थोड़ा आराम करेंगे, टांगे सीधी करेंगे और फिर उसके बाद अपना लाइट शो और फायरवर्क्स देखने आएंगे। हाँ बट अब अभी फटाफट चलते हैं और होटल में चेक इन कर लेते हैं, मैं भी बहुत थक गया हूँ। सो हम ऐसे ही एक दिन मजाक में बात कर रहे थे कि आप नायग्रा फॉल्स में ना अपना कॉइन डाल देना, जो भी विश होगी वो पूरी हो जाएगी, बट हम मजाक में कर रहे थे। फिर हम जब यहाँ आए तो हमने मम्मी पापा को बोला, नहीं मम्मी पापा ऐसा कुछ सच में नहीं है, लेकिन हमें चलते चलते या होटल ढूंढते ढूंढते अपने उस रास्ते पर जाते जाते एक्चुअल में एक विश पॉइंट मिल गया जहाँ पर आप कॉइन्स डाल सकते हो कुछ भी विश मांग के। तो देखते हैं कुछ विशेज मांगी जाएंगी एंड ऑफ कोर्स दे हैव टू बी केप्ट सीक्रेट। आई एम नॉट श्योर कि रात के जो फायरवर्क्स और लाइटिंग है वो कितना वर्थ है, मतलब अच्छा तो होगा ही बट अगर उसको ना गिने तो कैनेडा डे के दिन नायग्रा फॉल्स में बताना, हर जगह बहुत भीड़, लंबी लंबी लाइन है, चेक इन के लिए भी लाइन देख रहे हो आप, इतनी लंबी लाइन है। असली वर्थ इट है या नहीं है? हाँ अब वर्थ, कैनेडा डे पे नायग्रा फॉल्स आना वर्थ था या नहीं था वो तो रात के फायरवर्क्स और लाइट शो ही बताएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कैनेडा डे पे नहीं आना चाहिए। क्रूज में गए थे तो वही भी हुआ, ये तो पूरा खोला ही नहीं हमने। ओ भाई साहब, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास में आया। पापा कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर लगी हमें चेक इन करने में लेकिन सही में काफी दुरुस्त लगी। रात होने वाली है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब फॉल्स में जो लाइट शो होता है वो शुरू हो जाएगा एंड रात को 10 बजे फायरवर्क्स हैं, तो वही देखने के लिए हम अपने होटल से अब वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं टूवर्ड्स फॉल्स, ये लेके इसको कहते हैं इंक्लाइन रेलवे, ये इसे स्लांट में नीचे जाएगी तो इसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड फिर फॉल्स की तरफ चलते हैं और फायरवर्क्स और लाइट शो इन्जॉय करते हैं। मम्मी पापा नहीं आया, मम्मी पापा कह रहे हैं हमारा होटल रूम ही पूरा फॉल्स व्यू वाला है, हम रूम से एंजॉय करते हैं तो नीचे से जाके एंजॉय करो। हमारे 13,000 स्टेप्स हो गए पर डे के, हम नहीं निकलेंगे। तो ठीक है, हम नीचे से देखते हैं, मम्मी आप ऊपर से देखेंगे, लेट्स सी। फॉल्स पे जो लाइटिंग होनी है वो तो बाद में होगी, लेकिन अभी नेचर जो लाइटिंग कर रही है उसको देखो यार, क्या अमेजिंग हो रहा है, एकदम पिंक गुलाबी आसमान। इतनी भीड़ है यहाँ पे, सारे पार्क में अपनी अपनी फोल्डिंग चेयर्स और चटाइयाँ बिछा के बैठे हुए हैं एंड दे आर ऑल वेटिंग कि जब लाइट्स जलनी शुरू होंगी और जब फायरवर्क शुरू होंगे, सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं और इतनी भीड़ है ना, लेकिन काफ़ी सही, मतलब बहुत सही वाइब है, अमेजिंग। अब कलर्स चेंज हो रहे हैं,
कभी रेड कभी ब्लू कभी वाइट, बहुत सही लग रहा है। ले लिए फॉल्स के मजे। ऐसी 10 बजे मतलब फायरवर्क्स शुरू हो, एग्जैक्टली 10 बजे और एग्जैक्टली 10 बजे इतनी तेज बारिश, बट फिर भी फायरवर्क्स रुके नहीं, हमने भी एंजॉय कर लिया और अभी भी चल रहे हैं, पता नहीं कितनी देर तक चलते होंगे। लेट्स सी, जब तक हम रूम में पहुंचे तब तक भी फायरवर्क्स चल रहे होंगे या नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली जब तक हम ऊपर आए तब तक तो फायरवर्क्स बंद हो चुके थे। एग्जैक्टली 10 मिनट के होते हैं, 10 बजे शुरू हुए और 10:10 पे खत्म, तो ऊपर आके तो नहीं देख पाए, बट कोई बात नहीं, नीचे से हमने देखे, काफ़ी मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, बट अब हम बहुत थक चुके हैं, जैसा कि आप तनु को देख रहे हो, हम थक बहुत गए हैं, तब बस सोएंगे। और कल भी हम हैं पूरा दिन ऑलमोस्ट नायग्रा फॉल्स में, तो कल भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, तो आपसे अब ज़रा गुड मॉर्निंग करते हुए मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग बादल नहीं है, और ये धुआं नहीं है, ये पानी का मिस्ट है जो सुबह सुबह ऊपर उठ रहा है।